माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं अपना नॉर्मल मेकअप रूटीन करती हूँ। लाइक दिस इज द बेसिक मेकअप विच आई यूजली डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब भी मुझे स्पेशली जब बाहर जाना हो या फिर मार्केट जाना हो या फिर डेट पर जाना हो, कॉलेज में मैं जो मेकअप मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ पे फाउंडेशन या बीबी क्रीम्स बिल्कुल यूज़ नहीं करती। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया कि आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ बीबी क्रीम्स ऑन टू माई फेस ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, बट उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन हो गई थी, बहुत स्किन ख़राब हो रही थी। सो आई स्किप्ड यूजिंग बीबी क्रीम्स ऑन द डेली बेसिस। सो ये जो वीडियो है वो कॉलेज मेकअप वीडियो नहीं है, कॉलेज के लिए मैंने अलग से मेकअप वीडियो बनाया है, तो मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूंगी। सो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, इस वीडियो में सिर्फ मैंने अपना नॉर्मल मेकअप रूटीन जब मैं बाहर जाती हूँ, लाइक जब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट शॉपिंग मॉल या फिर फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी बर्गर KFC डेट पे या फिर फैमिली के साथ गेट टुगेदर, इवन मैं इंडियन वेयर भी होता है जब जब इंडियन ओकेशंस होते, ट्रेडिशनल ओकेशंस होते हैं, तब भी मैं यही मेकअप लगाती हूँ। जस्ट इयररिंग्स और बिंदी लगा लेती हूँ, दैट्स इट। उससे थोड़ा लुक एनहांस हो जाता है और आउटफिट से भी, इंडियन ट्रेडिशनल ओकेशंस की बात कर रही हूँ मैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज माई नॉर्मल मेकअप रूटीन। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई क्रिएट फैशन स्टाइलिंग वीडियोज ऑन दैट। So without further delay, let's jump on to the video now. The first thing first, always wash your face before you do makeup. So I have washed my face and I always apply eyes. Like I rub eyes onto my face because first I have oily skin. Second, summers hai. तो बेसिकली आइस क्या करता है, आपकी जो स्किन है वो पोर्स कम भी करता है, प्लस मेकअप टिका रहता है ज़्यादा देर तक, तो पसीना नहीं आता। सो या सेकेंड थिंग, ऑलवेज अप्लाई टोनर, ऑलवेज यू नो फॉलो अ स्किन केयर रूटीन बिफोर यू डू योर मेकअप रूटीन और बिफोर यू डू मेकअप। सो दिस इज़ माई DIY टोनर, नीम एंड तुलसी टोनर। मुझे एक्ने और पिम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई यूजली यूज़ दिस और इससे मुझे न्यू एक्ने वगैरह नहीं होते। सीरियसली गाइज, मैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन या आई बटन पे दे दूँगी। उसके बाद ऑलवेज अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर विच इज़ सूटेड फॉर योर स्किन टाइप बिकॉज इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट टू प्रेप योर फेस बिफोर यू डू मेकअप। सो आई हैव अप्लाइड दिस वैसलीन कोकोआ बटर लोशन ऑन टू माई फेस, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ क्रीम, फेस क्रीम। सो या इट जस्ट preps my skin so well that I could not tell you guys. After that, always apply lip balm because lips are very sensitive according to your whole body parts. So always before applying lipstick, I always prep my lips with the lip moisturizer. That's Wadi Herbal Blueberry. After that, I apply primer because primer is really important. Primer jo rehta hai wo aapko pata hi hai kya kaam karta hai. So yeah. उसके बाद आई ऑलवेज़ मिक्स फाउंडेशन और बीबी क्रीम विद द एलोवेरा जेल। सी, मुझे इतना ज़्यादा फेस पे कवरेज पसंद नहीं, किसी किसी लड़कियों को बहुत कवरेज पसंद होता है फेस के ऊपर, बहुत वाइट वाइट। आई यूजली डोंट लाइक दैट वाइट पेल फेस, लिटरली गाइस। मुझे कंसीलर लगाना भी नहीं आता है और ना मैंने कभी यूज़ किया कंसीलर। एक बार किया था, वो भी एक मेकअप वीडियो शूट करने के लिए, और मैं जितने भी कंसीलर्स खरीदे, जितने भी क्या है ही नहीं मेरे पास, दो तीन है, मैं नहीं लगाती हूँ, वो बस ऐसे ही पड़े हैं, दैट्स इट। आई जस्ट मिक्स फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू अ शेड, यू कैन टेक इट एंड यू कैन टेक बीबी क्रीम एज वेल। एलोवेरा जेल इसलिए लगाती हूँ मिक्स करके, क्योंकि एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट होता है, उससे कम कवरेज मिलता है, तो किसी चीज़ के अंदर मिला के अगर आप लगाओ तो वैसे भी वो ब्लेंड होके अच्छे से हो जाता है। एंड दैट्स इट गाइज। जस्ट मैं आई डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ ब्रशेज। हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप कर रही हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ, तो मैं ब्रश का इस्तेमाल कर लेती हूँ, बट दिस इज़ माई नॉर्मल मेकअप रूटीन, तो मैंने हाथ से ही ब्लेंड किया है। आई थिंक हैंड्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस लैक्मे कॉम्पैक्ट पाउडर जस्ट टू मैटिफाई माई फेस। मैं अंडर आइज के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर, टी जोन एरिया पर जहाँ जहाँ ऑयल आता है, मैं उससे मैटिफाई कर लूँगी अपना फेस। बाद में भी पसीना आ जाता है, बट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर हमेशा कैरी करके चलती हूँ बाहर बैग में। उसके बाद आई लव 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 डूइंग माय ब्राउज। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आँखों पे कुछ मेकअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आँखों पे मेकअप मुझे अच्छे से करना आता नहीं, आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन जनरली, एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं अपने ब्राउज को इन्हांस कर लेती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम मेबलिन जेल लाइनर, एंड दैट्स इट।
उसके बाद आई अप्लाई ब्लश. आई लव अप्लाइंग ब्लश. पहले मुझे ब्लश लगाना आता नहीं था और जब भी मैं लगाती थी मैं जोकर बन जाती थी और मैं पाउडर ब्लशेस लगाती थी. तो मुझे पाउडर ब्लशेस आज भी लगाना अच्छे से आता नहीं है. पता नहीं क्या होता है मेरे साथ. मे बी आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन. तो मैं ये दिस फ्रॉम लैक्मे. तो मैं ये लिप टिंट अपने गालों पे लगा लेती हूँ एंड दैट्स इट. इट गिव्स वेरी 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 ब्लशी चीक्स. मुझे बहुत पसंद आ रहा है आजकल ये. आई डोंट नो व्हाई मैं वीडियो शूट करने के लिए भी यही ब्लश लगा रही हूँ. इट्स अ लिपस्टिक. तो ये भी आप हैक ट्राई कर सकते हैं. मतलब मुझे हल्का फुल्का ही मेकअप करना आता है कि भैया थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, यू नो, टू लुक गुड एंड टू लुक प्रेजेंटेबल. मैं उतना ही मेकअप करती हूँ. दैट्स इट. व्हेन यू आर डन ब्लेंडिंग योर लिपस्टिक ऑन टू योर चीक्स, वो बहुत, ये बहुत ही प्यारा. एक्चुअली मुझे पिंक ब्लशेज ही सूट करते हैं. मतलब मैं पिंक ब्लशेज ही लगाती हूँ अपने डेली लाइफ में भी. हाँ, दैट्स इट. इफ़ यू आर डन अप्लाइंग ब्लश, नाउ वी विल मूव ऑन टू द लिपस्टिक. नाउ डिपेंडिंग ऑन माई मूड, डिपेंडिंग ऑन द ओकेशन, मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ. अभी मुझे एक वीडियो शूट करना था अपने IGTV के लिए, तो मैंने ये नायका की लिपस्टिक यूज़ करी है, विच इज़ इन द शेड आई थिंक ब्रेक अ लेग. दिस इज अ वेरी न्यूड परफेक्ट लिपस्टिक. और उसके बाद मैंने डार्क लिपस्टिक लगा ली है वेट एंड वाइल्ड की, विच इज़ इन द शेड डार्क वाइया. तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं. जैसे यू नो मिक्स एंड मैच करके लिपस्टिक को लगा लें तो एक न्यू शेड आता है. और मैं डैप डैप करके वेट एंड वाइल्ड की लगा लूँगी. दैट्स इट. It is a beautiful shade, dark wine, literally, guys. So I'm using this mascara onto my lashes. This is from Lakme, and I apply lots of mascara onto my eyelashes. क्योंकि eyeshadow part मुझे नहीं आता है करना, literally, guys. मैंने एक दो बार try भी किया, but उसमें मैं joker लगती हूँ. बहुत सारे लोग बोलते मत किया कर eyeshadow part, contouring नहीं आता, मुझे concealer नहीं आता. तो this is my normal makeup routine, and please don't guys say that के YouTube channel क्यों खोल के बैठी. वैसे ज़रूरी नहीं है कि YouTube channel सिर्फ makeup के लिए होता है. बाकी चीज़ें भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, जैसे स्किन केयर, फैशन, ये वो. तो डू चेक इट आउट. उसके बाद आई अप्लाई हाइलाइटर. वो भी रोज़ नहीं लगाती हूँ मैं हाइलाइटर, ना ही वीडियोस के लिए. तब लगाती हूँ जब मुझे फ़ोटोज़ खींचना हो पर्पसली अपने इंस्टाग्राम के लिए या फिर यूट्यूब वीडियोज़ के लिए. दैट्स इट. नॉर्मल में मैं हाइलाइटर भी स्किप कर देती हूँ. दैट्स इट. मैं टचअप करती हूँ अपने फेस को हल्का सा, फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर से अगर पसीना आ रहा हो. And that's it. I am done with my normal makeup routine. Please guys, don't judge me के मैंने बहुत सारे steps skip कर दिए. With only 3 to 4 products मैं अपना makeup routine मतलब you know कर लेती हूँ. And that's it. That's pretty much about it. I hope you guys like this video, love this video. Please don't forget to like, share, subscribe and send it to all your friends and all your girlfriends. मैं मिलती हूँ अगले video में. Don't forget to follow me on Instagram. Bye.